जो ZIDDI है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप चाणक्य जी की ये बातें ढंग से समझ लेते हैं तो निश्चित ही तौर पे आपको कामयाबी भी मिलेगी और दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, भाई बंधुओं की परख संकट में और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानियों में हो और कोई दोस्त हमें सहारा देता है तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, सहारा देने के लिए तैयार रहता है, मगर उनकी परख सिर्फ दुख में ही हो सकती है। इसी तरह हमारे अपने जीवन साथी यदि हमारी जरूरतों और हमारे धन की संजोए रखने की कला नहीं समझते तो वो हमारे साथ जीवन काटने के लायक ही नहीं है और आगे चलकर वो आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आते कभी भी अपनी रास की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने सही तो कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी से एक बात लेते हैं तो वह कभी रास नहीं रहता, वह बात आग की तरह सारे गांव समाज में फैल जाती है और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाए तो हमारे पतन का समय आरंभ हो गया है, ऐसा आप समझ लीजिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, चाणक्य जी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, मगर आज के जमाने में 2019 की अगर मैं बात करूं तो जो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं और दिल लगा के काम करते हैं उन्हें अक्सर ज्यादा काम दिया जाता है, उनको रगड़ा जाता है, उनसे पैसे कम दे के ज्यादा काम करवाया जाता है। यही आजकल के मल्टीनेशनल कंपनी कल्चर में हो रहा है, इसलिए ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं। दोस्तों, हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों का स्वार्थ ना छिपा हो, ये कटु सत्य है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, कभी कभार मित्रता के पीछे स्वार्थ अच्छे भी हो सकते हैं। एक सकारात्मक सोच होती है अच्छा मित्र बनने की, स्वार्थ मित्रता को पाने की, और आखिरी सबसे मेन स्वार्थ है वो है मित्रता मिलने से मिलने वाले प्रेम की। इसलिए मित्र अगर आपका सच्चा है तो ही उसके साथ रहे। दोस्तों, उसके बाद आप यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी वह फुकारना नहीं छोड़ता, इसी तरह यदि व्यक्ति कमजोर है तो उसे खुद को ताकतवर ही प्रदर्शित करना चाहिए। आचार्य की ये बात हमने केवल इतना समझाती है कि कमजोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसलिए अपनी कमजोरी का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इसके बाद आता ऐसा धन जो बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद या फिर अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद हासिल हुआ हो, ऐसा धन स्वीकारने नहीं होता। ये तो हमारी मान्यता भी है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी ना कभी अच्छे कारणों में कभी सफल नहीं बन सकता, यह हमें बर्बादी की ओर लेके जाता है। दोस्तों, इसके बाद आते जो बीत गया सो बीत गया, यदि हमने कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को सुधारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है, यदि हम बीते हुए कल की बंदी रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ये बातें सिखाई हैं आचार्य चाणक्य ने जी ने, जो बहुत बड़े कूटनीतिक थे, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको कभी जिंदगी में धोखा या फिर कभी कोई अनसक्सेसफुल चीज आपके साथ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।